अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी दिन टाइम से छुट्टी करूंगा तो आपको अपने लोगों का फोन भी दबाऊँगा। तो आज खैर छुट्टी तो नहीं टाइम से की, आज वैसे छुट्टी कर ली है काम से, आज गया ही ना क्योंकि आज काम की चाल उस तरह से नहीं थी। तो सबसे पहले आपको कॉल का रास्ता ही मिलेगा। ये बड़ा तंग कर दिया, स्कूल से खड़ा नहीं होगा। ये इसका कुंडा हो गया और ये इसकी नलियाँ, इसे कहते हैं डब्बी नली और डब्बी नौ कहते हैं। बाकी ये देखिए बेहतरीन माशाल्लाह। अभी तक तो वैसे आपने ना पूरे भी देखा ना, बाहर नहीं आपने देखा, बाहर आ जाओ आप चेक करें इसकी। तो ये इसका पर पूजा देखिए, बेहतरीन कुंडा। और ये इसकी नली है, सफ़ेद नली, साफ नली है बिल्कुल। डब्बी नौक में बड़ा बेहतरीन होता है ये भी। ये किसी की तरफ से गिफ्ट आया था, बंदे ने बोला कि इसे इसकी ब्रीडिंग करवाओ, इसका जोड़ तोड़ कराओ, लेकिन अभी तक तो ना इसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं और ना इसका जो है वो जोड़ दिया कहीं पर। ये खाई आठ बजे कोई आकर खड़ा नहीं होगा। ये कराची गया था, उन्होंने पता नहीं इसके साथ क्या किया, इतना पर ही नहीं आ रहे। अब ये नए आए थे तो हुए, लेकिन अभी तक जो ये बिल्कुल इससे ज़्यादा एक घंटा नहीं, कराची गया हुआ था ब्रीडिंग के लिए, वापस आया तो उसका ये हाल नहीं किया। और ये देखिए इसका पर टूटा है, ये इसमें से हमने खुद ही बांधे हैं, ये इसके पर टूट गए थे इसलिए इनकी जो है ना ऊपर से सिलाई करके इन्हें बांध दी है। और ये पक्के कहाँ हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल नए जैसे हो गए। सही गैर बात हो रहा है नली पे ना, इसका भी कोई इलाज करेंगे इंशाल्लाह। भी आपको ये इनके ना खुडों में जो पकड़ने लगते हैं तो ये इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, अभी इनके जो है ये इनके टूट जाती है। ये देखो इसी तरह से जब भागते हैं ना छुड़वाने के लिए अपने आप को, तभी इस तरह से अपना जो है नुकसान कर लेते हैं। बाकी और भी सारे हैं, बहुत सारे हैं, अभी इनका डिटेल भी शो कर रहे हैं, बहुत सारे माशाल्लाह। ये
ये बिल्कुल साफ हालत में है, ये गंदगी से जो है ना ये इज्जत से आ रहा है, तंग नहीं करता, इसकी आंख देखें। और ये देखें इसका पर पुर्जा, इसके भी अंदर भी छुट्टी हो गई। बाकी इंशाल्लाह अभी ये मौसम साफ होगा तो ये क्रिएट करेंगे, फिर ये इनके जो है ना उनके भी सेट हो जाएंगे और ये सारे मुर्गे सेट हो जाएंगे। अभी ये देखिए इसके प्रोग्राम क्या होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हाथ में जो है ना इन्हें कम ही पकड़ना पड़ता है और वैसे भी ये खुद ही इज्जत से हाथ आ जाता है और तंग नहीं करता, इसलिए ये जो साफ होती है। बाकी सब चीज़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपना तंग कर करके ना ये खुद को नुकसान देते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, बाकी ये सारे आपने देखे ही हुए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह किसी दिन और भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी आपको कोई नया आएगा जानवर तो उसका शौक करवाएंगे। अभी तो फिलहाल आपने छोटे जो जो इनका तो शौक कर लिया है, तो ये मादियाँ भी हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ये आपके लिए जो है एक जॉब है। तो ये बाकी ये बाहर फिर रहे हैं, ये सारे जोड़ों वाली हैं, इन सब के जोड़े लगे हैं इनके साथ, और ये इनके अंडे हैं, यहाँ पे पड़े हैं एक दो अंडे। बाकी जो अंडे थे वो मुर्गियों के नीचे रखे हैं, एक मुर्गी वहाँ पे बैठी हुई है उसके नीचे इस टोकरे के, और एक वो ऊपर उसमें बैठी हुई है इस क्रेट में, और एक ये बैठी हुई है। बाकी इनके भी जब बच्चे निकलेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा कितने निकले हैं और कितने सरवाइव करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। निकलते तो सारे माशाल्लाह से काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से कुछ मर भी जाते हैं, कुछ नहीं मतलब कि सरवाइव कर सकते। स्टार्टिंग में जो एक दो हफ्ते हैं वही मुश्किल होते हैं, बाकी तो ठीक हो जाता है सारा काम। एक दो हफ्ते जो निकाल जाएं वो समझ लें कि वो पक जाएंगे, और जो नहीं निकल सकेंगे वो मर जाएंगे। ये इसी तरह से ये अपने पर तोड़ते हैं, जब पकड़ने लगते हैं इन्हें तो फिर ये गंजी हो जाते हैं बिल्कुल ही। इनका हिसाब वो कबूतरों वाला नहीं है कि इनके पर खींचे और नए सिरे से आना शुरू हो जाएं, इनका हिसाब कुछ और ही है। इनके अगर पर एक बार निकाल देते हैं तो फिर इन्हें अपनी मर्जी से इन्होंने ले के आना है, पता नहीं कब क्रीज करते हैं कब नहीं करते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक सीज़न नहीं है जो हमें पता हो कि यार इनका पर खींच देंगे तो नहीं आ जाएंगे, इस तरह से नहीं है इनका कबूतरों वाला साहब, ये इनका अपना ही कुछ मेथड है। एक बार करके देखा था ये जो इन्होंने कराची वालों ने, तो उसका खमियाजा अभी तक कबूतरे हैं, अभी तक उसके पर नहीं आए। अब नए आना तो शुरू हुए हैं लेकिन कोई पता नहीं वो निकलते भी हैं या नहीं, क्योंकि मुर्गियों को बड़ी गंदी आदत होती है, ये पर खींचती रहती हैं इन मुर्गों के, सारा दिन बैठे ना अगर कुछ भी नहीं मिलता तो इनके पर खींचना शुरू कर देती हैं। दाना भी हालांकि काफ़ी पड़ा होता है इनके पास, हर एक चीज़ काफ़ी पड़ी होती है वक्त मिलता है, लेकिन फिर भी ये जो है ना इन्हें आदत है पर खींचने की। जैसे इंसानों में औरतों को आदत होती है बंदे के बाल उखाड़ने की ना, इसी तरह इन जानवरों में भी इनको आदत होती है कि बस जो इज्जत से इनके सामने अपना सर कर दे तो उसे ये गंजा करके रख देती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके और कोई वीडियो मिस ना हो। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि व्यूवर्स हो गए हैं लेकिन सब्सक्राइबर कोई नहीं हुए, तो सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, व्यू तो होते ही रहेंगे ना, सब्सक्राइबर जितने होंगे वो एक जिसे कहते हैं एक समझ लें वो क्या कहते हैं उसे कि एक जॉब है, इतने आपने जो मिनिमम जो है ना वो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, देन उसके बाद जो वो रेगुलरिटी पे आ जाता है चैनल, फिर व्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सिलसिले चलते रहेंगे, वीडियो और भी बनती रहेंगी, और भी अगर कोई शुगर मिला लगेगा कहीं किसी के पास जाएंगे, कहीं आएंगे तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगी। अभी तो जो है वो काम से टाइम नहीं मिलता यार, काम
जो इनका खर्चा करना कोई आसान काम है। इनका दाना ही बड़ा महंगा पड़ गया, दाना बहुत महंगा हो गया, तो फिर भी हिम्मत नहीं हारते, शौक कर रहे हैं और चल ही रहे हैं सारे। इनका भी अल्लाह पाक दाना दे रहा है हमें और अपना भी दाना पानी चला रहे हैं। और कबूतर भी हैं, इनका भी सारा सिस्टम चल रहा है। ये तोते भी रखे हैं, इनका भी रखा है, सारा सिस्टम चल रहा है। बस अल्लाह का शुक्र है, जितना उस मालिक का एहसान माने उतना कम है, वो बहुत ज़्यादा देता है, हमारी सोच भी नहीं है जितना वो दे देता है। हम तो इंसान तो नशुक्र ही रहेगा ना कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो बाकी अल्लाह जिसे जहाँ पे जाता है वहाँ पे रखता है, इसमें कोई भी जो है ना वो शक नहीं है। वो जब चाहेगा किसी को दे देगा और जब चाहेगा किसी से ले लेगा, ये उसकी मर्जी है। बाकी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।